हाई एलोड वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ हर्षिका एंड यस आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ अपनी जर्नी जो कि मैंने तीन साल पहले स्टार्ट की थी यूट्यूब की जर्नी येस yes, 29 नाइन दिसंबर टू थाउजेंड दिसंबर 2019 को मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था एंड मैंने यूट्यूब पर डाला था सो इट्स ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी तो मुझे तीन साल हो गए एंड तीन साल की ये जर्नी जो अप्स एंड डाउन मैंने देखे हैं इस जर्नी में एंड दस दिन पहले पंद्रह दिन पहले ही जो है मेरा चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने यूट्यूब से वीडियो डाली थी सो ट्वेंटी हाँ मैं एक वीडियो बनाऊँ एंड जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था वो था वो जर्नल एंट्री का जो बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा कॉमन है कॉमर्स के स्टूडेंट जानते हैं जर्नल एंट्री क्या होती है सो so, मैंने वो uh, वीडियो बनाना स्टार्ट किया एंड uh, उस टाइम मेरे पास माइक भी नहीं था एंड जो फोन था उसी से मैंने वीडियो बनाया था एंड कुछ भी नहीं था नहीं था जस्ट एक पहला वीडियो मुझे शूट करना था तो कैसे लाइक like मुझे जो कॉपी एंड पेन पे पढ़ाना था कि जनरल एंट्री क्या होती है बट कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था जिसमें मैं फ़ोन टिकाऊँ एंड जो कैमरा है उसका फोकस नीचे आए तो मैं कॉपी एंड पेन पर लिखूँ तो मेरे पास वाटर बॉटल था एंड <laughs> वो वाटर बॉटल पर मैंने अपना फ़ोन टिकाया एंड मैंने उसका कैमरा ऑन किया जो कैमरा था वो बैक साइड का ऑन किया ताकि मुझे फ्रंट पे दिखता रहे कि हाँ वो कॉपी पे ठीक से दिख रहा है या नहीं एंड देन मैंने अपनी कॉपी एंड पेन को रखा एंड मैंने उसमें लिखना शुरू किया हाउ टू पास जनरल एंड रही है सो दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो जिसमें आप देखेंगे अभी मैं उसकी थोड़ी सी क्लिप्स भी आपको दिखाऊंगी आप देखेंगे कि मेरी वॉइस जो है वो बहुत बहुत ज्यादा लो है एंड आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट मैं जो बोल रही हूँ उसमें भी अब मेरी आवाज़ जो है वो लड़खड़ा रही है वो आपको साफ पता चलेगा कि हाँ मैं कितनी 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 ज़्यादा डरी हुई थी एंड ऑल वो जो वीडियो था वो मैंने कोई फेस दिखा के नहीं बनाया था जस्ट वो कॉपी एंड पेन को दिखाया था स्टिल मैं बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत 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 ज्यादा इंसान डरा होता है कि हाँ जब ये पब्लिक में जाएंगे तो लोगों का रिएक्शन कैसा होगा कौन से लोग इसको देखेंगे एंड कैसा रिएक्ट करेंगे कि आप कैसे बोल रहे हो कैसे पढ़ा रहे हो सो so, ऐसे धीरे 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 करते 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 मैंने कई सारे वीडियोस डाले पढ़ाने के कुछ अपनी जर्नी शेयर करने के एंड कुछ तो ऐसे वीडियोस थे लाइक जो मैं अपनी पढ़ाई शेयर करती थी कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा आज दिस ये कंप्लीट हुआ आज ये कंप्लीट हुआ तो ऐसे करते करते मैंने तीन साल की ये जर्नी कम्प्लीट की है तो आइए देखते हैं कि उस जो पहला वीडियो था वो क्या है उसके थोड़े थोड़े सिगलम्स या वो वीडियो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको जनरल एंट्री इजी तरीके से आप कैसे पास कर सकते हैं तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्या देखना है कि ये एक्सपेंसिज होते हैं डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में सारी इनकम दिखाई जाती हैं बैलेंस शीट में क्या होता है लाइबिलिटी साइड दिस इज़ द लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज़ द एसेट साइड तो मोस्ट ऑफ द जनरल एंट्रीज फॉल करते हैं हमारे एसेट्स में हमारी uh, हमारे एसेट्स में हमारी लाइबिलिटीज़ में हमारे एक्सपेंसेस में एंड हमारे इनकम में अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप इजी मैथ मैथड से कैसे आप जनरल एंट्री पास कर सकते हैं तो फर्स्टली अगर हम एसेट्स की बात करते हैं तो जब भी जब भी एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो हमें एसेट्स को क्या करना है डेबिट करना है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट अगर आपके प्रो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो टेटस अकाउंट डेबिट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और जब भी ये डिक्रीज़ होते हैं तो हमें क्या करना है एसेट्स को क्रेडिट करना है ठीक है अगर एसेट कैश त... जा रही है तो कैश को क्रेडिट करेंगे अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे ऐसी लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं अगर लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज़ हो रही है। इं.. इट हैं इट मीन्स कि क्रेडर आपके बढ़ रहे हैं आपके प्रोविजन्स बढ़ रहे हैं तो आपको इसको क्या करना है क्रेडिट करना है और जब भी आपकी लाइबिलिटीज़ घटती हैं तो आपको इन्हें क्या करना है डेबिट करना है इट मीन्स आपने करेक्टर का पेमेंट कर दिया है तो आपको करेक्टर अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास करनी है अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं जब भी एक्सपेंसेज आपके इंक्रीज होते हैं तो आपको इसे क्या करना है डेबिट करना है इट मीन्स एक्सपेंसेस अगर जब भी एक्सपेंसेस आपके बढ़ते हैं इट मीन्स अगर सैलरी अगर आपने देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सैलरी अकाउंट डेबिट करना होगा ठीक है अगर सैलरी का अगर कोई भी एक्सपेंसेस घट रहे हैं तो आपको इसे क्या करना है क्रेडिट करना है ऐसे हम इनकम की बात करेंगे अगर इनकम आपके इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें इसे क्या करना होगा क्रेडिट करना होगा इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी इनकम कहीं से भी मिल रही है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे और अगर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आप इसे क्या करोगे डेबिट करोगे ठीक है इन शॉर्ट अगर मैं समझ दूँ इस चीज़ की तो आपका एसेट्स एंड आपके एक्सपेंसेस सेम वे में चलते हैं आपकी लाइबिलिटीज़ एंड आपकी इनकम जो है वो सेम फेज में चलते हैं इट मीन्स अगर ये इंक्रीज़ होंगे तो आपने डेबिट करना है अगर ये डिक्रीज़ होते हैं तो आपको क्रेडिट करना है ठीक है अगर ये चीज़ें आपकी इंक्रीज़ होती हैं तो आपको क्या करना हो क्रेडिट करना है अगर ये चीज़ें आपकी डिक्रीज़ होती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा थैंक यू आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो so, आप लोगों ने देखा कि वो वीडियो जो है वो टेबल पे बोतल के ऊपर कैमरा रख के मैंने आ, शूट किया था वो वीडियो सो दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो और वो वीडियो मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा इसलिए क्योंकि जो पहला आप जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हो एंड पहली आप नींव रखते हो किसी चीज़ की तो वो दिन आपको हमेशा याद रहेगा याद रहता भी है इट्स ट्वेंटी दिसंबर और मैं इसे कभी भूल नहीं सकती कि हाँ मैंने इसी दिन से अपने यूट्यूब का कैरियर की जो अपनी यूट्यूब जर्नी थी वो जो स्टार्ट की थी सो ये दिन जो है वो मेरे लिए बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा स्पेशल है सो आई थाट कि हाँ मैं आप लोगों के साथ अपनी जो हैप्पीनेस है वो शेयर करूँ कि इट्स थ्री ईयर थ्री मुझे यूट्यूब पर तीन साल हो गए एंड तीन साल काफ़ी एक लंबा पीरियड होता है एंड uh, मैं बीच में जो था यूट्यूब को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे मैंने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख के वीडियोज़ में जब मैं वीडियोज़ डालती थी तो उसमें व्यूज़ नहीं आते तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील होता था लगता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ इतनी मेहनत कर रही हूँ हेल्प करना चाह रही हूँ लोगों की बट वो वीडियो जो है वो स्प्रेड नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है नॉर्मल है मुझे लगता है कि सभी के साथ होता है इनिशियली जब आप कोई वीडियो डालते हो तो वो लो, लोग लोगों के तक नहीं पहुँचती है शायद यूट्यूब इतना रिकमेंड नहीं करता उन वीडियोज़ को सो तो धीरे 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 करते एंड लास्ट एट मंथ से मैं जो हूँ वो रेगुलर हूँ यूट्यूब पर सो so आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट मिला है एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट लव सब कुछ मिला तो लाइक वो चैनल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया तो लाइक पिछले एक मई एट जो आठ महीने हैं जिससे मैं एकदम कंटिन्यू हूँ क्योंकि बीच में तीन साल पहले स्टार्ट जरूर किया था बट बीच में छूट गया था तो लास्ट एट मंथ से मैं कंटिन्यू हूँ एंड बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का रहा है इस चैनल पर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर मैं आप लोगों को थोड़ा भी मोटिवेट कर पाई हूँ कि हाँ मेरी जर्नी ऐसी थी सो so, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका भी नाम हो तो आप भी एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं एंड अपनी जर्नी अपना आप क्या कंटेंट कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक आपकी क्या कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें सब आपके अंदर होती है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कुछ ऐसा होता होगा आपके साथ कुछ दिन में ऐसा या फिर कोई ऐसी नॉलेज जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं तो आप भी अपना एक चैनल खोल सकते हैं एंड बिल्कुल वो चैनल जो है वो ग्रो होगा क्योंकि यूट्यूब जो है सबके चैनल पर ध्यान देता है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थोड़ा भी आपको मोटिवेट किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा थैंक यू